नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 28 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ का 96 की उम्र में निधन हो गया, जिस पर नेपाल की सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया, जिसके बाद हर एक नेपाली सरकारी दफ्तर में साथ ही साथ दूतावासों में नेपाल के झंडे को आधा झुकाकर रखा गया। लेकिन वो ब्रिटेन जिसके प्रधानमंत्री आज तक नेपाल नहीं है, तो उनके यहाँ की क्वीन के लिए इतना बड़ा शोक क्यों? लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन की क्वीन नेपाल आ चुकी थी, तो आखिर कारण क्या था कि क्वीन एलिजाबेथ नेपाल आई थी, और क्या कोई संबंध था क्वीन एलिजाबेथ और नेपाल के बीच में, और अगर कोई संबंध था तो उन्होंने नेपाल के लिए कुछ किया या नहीं। साथ ही लोकतांत्रिक ढांचा होने के बावजूद आज भी ब्रिटेन में किंग और क्वीन क्यों बनते हैं, साथ ही साथ किंग और क्वीन कैसे बनते हैं, और क्या इनके पास कोई पावर होती है या नहीं होती है? यही सब है आज के हमारे चर्चा का विषय। साथ ही आप में से 70% लोग वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी नीचे देखो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, साथ ही जो बाजू में बेल का बटन है उसको भी दबा लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, और एक कमेंट भी कर दो ग्रेट नेपाल। साथ ही आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो नीचे थैंक्स का बटन दबा के, साथ ही आपको स्क्रीन पर एक यूपीआई बार कोड भी दिख जाएगा और यूपीआई आईडी भी दिख जाएगी, आप उसके जरिए भी हमें फंड कर सकते हो जिससे ये चैनल चलता रहे, तो आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, नेपाल और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ 2 के बीच में संबंध काफी अच्छे थे, और इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं आया उस देश की क्वीन 2 बार नेपाल आ चुकी थी, एक बार 1961 में और एक बार 1986 में, और वो भी पता है क्यों? वो आई थी मिलने गोरखास से और साथ ही साथ नेपाल की सुंदरता से। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था? ऐसा नहीं है। चलिए चलते थोड़ा सा हिस्ट्री में। दोस्तों, नेपाल के गोरखाओं ने ब्रिटेन के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे, वो भी 1816 से पहले भी, जब नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। कहा जाता है करीबन 2 लाख से भी ज्यादा नेपाली गोरखा सैनिकों ने लड़ाई की थी दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ब्रिटेन के लिए, वो भी तब जब नेपाल की पॉपुलेशन थी सिर्फ 4 मिलियन यानी कि 40 लाख, और उसमें से 2 लाख लोग ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे एज ए सोल्जर्स, और उन लड़ाइयों में करीबन 40,000 नेपाली सैनिक शहीद हुए थे। गैलिपोली और फेंडर फील्ड्स में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर काफी लोग शहीद हुए थे, साथ साथ इटली, बर्मा और मलाया के साथ भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर काफी लोग शहीद हुए थे, और इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ 2 के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था नेपाल के लिए। और ये चीजें और बड़ी जब उनको पता चला कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पर 2 लोग फतह कर चुके हैं यानी कि चढ़ चुके हैं, जो कि चढ़े थे 29 में 1953 में, और ये 1953 का दौर था जहां पर इस मैसेज को लंदन पहुंचने में 5 दिन लग गए थे, और 5 दिन बाद 2 जून 1953 को क्वीन एलिजाबेथ को भी पता चला, साथ ही साथ लंदन में भी पता चला कि 2 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, जो कि थे एडमुंड हिलेरी और तिनजिंग नॉर्वे। नेपाल में 1961 में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ 2 की विजिट अपने आप में काफी ज्यादा हिडन सीक्रेट रखती थी, क्योंकि इस विजिट को सिर्फ विजिट नहीं देखा जा सकता था, उस विजिट को उस समय नेपाल को बचाने के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि 1961 से करीबन 1 साल पहले ही नेपाल के राजा महेंद्र ने तख्ता पलट कर दिया था नेपाल की पहली गवर्नमेंट का, जो कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी, और तब नेपाल के प्रधानमंत्री बीपी कोराला साथ साथ कई और मंत्रियों को जेल में उठा के डाल दिया गया था, और एक सम्राट की तरह शासन शुरू हो गया था, और उसी के करीबन 1 साल बाद ही क्वीन एलिजाबेथ नेपाल आती थी, तो उनकी नेपाल में विजिट को देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं तख्ता पलट का सपोर्ट कर रही थी। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, क्योंकि उस समय नेपाल के आसपास भी बहुत सारी उथल पुथल मची थी, इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी ज्यादा खराब थे, और एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन थी, यानी कि दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, और 1962 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ भी। वही 1961 के टाइम पर चाइना अपने बहुत ज्यादा उफान पे था, यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, और कई देशों और कई जगहों पर कब्जा किया था, और उसके करीबन 3 साल पहले ही चाइना ने तिब्बत को भी एक्वायर कर लिया था, जो कि नेपाल का पड़ोसी देश था, जिसमें करीबन 10 से 11 लाख तिब्बतियों को मौत के घाट उतार के चाइना ने पूरे तिब्बत को हड़प लिया था, यानी कि मौत का एक तांडव करके चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था। और उसके बाद भारत और चीन के बीच में भी युद्ध के आसार दिख रहे थे, जिसके चलते 1961 के दौरान क्वीन एलिजाबेथ नेपाल आती है, और उस समय इतने क्रूशियल वक्त पे जब चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध जैसे आसार थे, तब क्वीन एलिजाबेथ नेपाल आती है, और वो उस समय कहीं ना कहीं नेपाल को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता था कि इंडिया या फिर चाइना के युद्ध के दौरान नेपाल को कोई नुकसान ना पहुंचे। 1961 की विजिट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ साथ साथ उनके प्रिंस दोनों चितवन पार्क भी गए थे, जहां पर उस समय शिकार लीगल था, और उस समय उन लोगों ने शिकार भी किया था। वहां की कई तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं,
क्योंकि उस समय क्वीन इलिजाबेथ खुद अपना एक कैमरा लेके गई थी, जो कि एक शाही कैमरा था, उस समय बहुत महंगा मिलता था। वो अपने कैमरा ले जाके वहाँ पर शूट कर रही थी और पिक्चर्स खींच रही थी, वो भी हाथी के ऊपर बैठकर। तो ये थी पहली बार क्वीन इलिजाबेथ जब नेपाल आई थी। लेकिन अपनी 70 साल की क्वीन की रिजीम में इलिजाबेथ टू दो बार नेपाल आई थी, एक बार 1961 में, दूसरी बार 1986 में। 1986 में वो 4 दिनों के लिए नेपाल आई थी, जिसमें क्वीन इलिजाबेथ थी और फिलिप भी थे, और दोनों ने नेपाल के कई जगहों पर विजिट किया, जैसे काठमांडू, दरबार स्क्वायर और साथ ही साथ कोई और प्रमुख जगह उन लोगों ने विजिट किया था। तो ऐसा ही था कुछ नेपाल और ब्रिटेन की क्वीन इलिजाबेथ टू के बीच में रिलेशन। लेकिन ये भी अभी सवाल लगता है कि आखिर ब्रिटेन में किंग और क्वीन बनते क्यों, और कौन लोग किंग और क्वीन बनते हैं, और क्या इनके पास कुछ पावर्स होती हैं या नहीं। दोस्तों, ब्रिटेन में किंग और क्वीन को एक सिंबॉलिक किंग और क्वीन माना जाता है, जहां पर इनको काफी कम पावर है, जैसे कि कई जगहों पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को साइन करना। साथ ही साथ अब एक नई गवर्नमेंट अपॉइंट होती है इलेक्शन के बाद, तो सबसे पहले किंग या फिर क्वीन से मिलने जाते हैं। साथ ही साथ जब पहली बार गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, तो किंग और क्वीन के साथ ही बकिंगहम पैलेस में उनको मिलना पड़ता है, और इलेक्शन के पहले किंग या फिर क्वीन को गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी पड़ती है। साथ स्टेट ओपनिंग में सबसे पहली स्पीच किंग या फिर क्वीन की होती है, और वही बताती है कि गवर्नमेंट्स के प्लान क्या होने वाले। साथ ही कोई भी चीज़ अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होती तो उसके फाइनल हस्ताक्षर होते हैं किंग या क्वीन से, जो कि बाद में ही लॉ बनता है। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जो कि किंग और क्वीन के पास होते हैं, लेकिन कोई भी गवर्निंग पावर नहीं होती। तो आखिर कौन बनता है, ये किंग या फिर क्वीन? उसे ये बनते वहाँ की रॉयल फैमिली से, जो भी उस समय का किंग होगा उनके जो बच्चे होंगे उनमें से ही कोई किंग या क्वीन बनेगा। मोस्टली जो एल्डेस्ट होता है उसी को किंग या फिर क्वीन बनाया जाता है, जब किसी भी किंग या फिर क्वीन की डेथ हो जाती है। और क्वीन इलिजाबेथ टू अपने पिता की मौत के बाद क्वीन बनी थी, लेकिन पुराने ब्रिटेन और उनके सिस्टम को लेकर मेरी राय कुछ अलग है, जो कि मेरी पर्सनल राय है। तो ये वही ब्रिटेन है जिसने कई दुनिया की कंट्रीज पर रूल किया है, और वहाँ पर उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है कई जाने लिए, साथ ही साथ बहुत कुछ गलत किया है। इनकी हिस्ट्री देखिए, 1765 से 1938 तक इन्होंने इंडिया से करीबन 45 ट्रिलियन डॉलर का खजाना लूटा है। जिस भी कंट्री पर रूल किया है उस देश को खाली करते हुए ब्रिटेन में सारी चीज़ें भरी हैं, और कुछ भी नहीं किया, यानी कि ये ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा थीव ब्रिटेन था। भारत के कई बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स, कोहिनूर हीरा और बहुत सारी चीज़ों इन लोगों ने ब्रिटेन में पहुँचाई, और ये नेपाल की मूर्तियों और उनके आर्टिफैक्ट्स के साथ भी हुआ। बहुत सारे नेपाल के आर्टिफैक्ट्स को आज भी हम लोग ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे दे सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं, जो कि कहीं ना कहीं चोरी करके वहाँ ले जाए गए, और ये सभी देशों के साथ हुआ जहाँ पर इन्होंने रूल किया। साथ ही उसी ब्रिटेन के लिए करीबन 40,000 से ज़्यादा नेपाल के गोरखा सैनिक भी मर गए, जिसमें नेपाल को तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो एक तीसरे देश की लड़ाई थी जिसमें नेपालियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री का अलग ही पन्ना है, कैसे गोरखा सैनिकों की मदद ब्रिटेन लेता था, वो किसी और वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के 10,000 लाइक पूरे होने के बाद हम उस टॉपिक को भी जरूर छूएंगे, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद। एनएन न्यूज़।